गर्मी में प्रेग्नेंट माँ को क्या खाना चाहिए? कुछ ऐसे फूड है जो गर्मी बढ़ाते हैं शरीर में, और प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि हॉर्मोन्स बढ़े रहने से शरीर में ऑलरेडी गर्मी रहती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से पीपी वैसे ही थोड़ा सा हाई रहता है, तो ऐसे में बॉडी में ऑलरेडी हीट होती है। तो कुछ फूड ऐसे हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि बॉडी हीट कंट्रोल रहेगी और आपको घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, अनइजीनेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद आना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं समर डाइट टिप्स की, कि कौन से हीटिंग फूड हैं जो आपको प्रेगनेंसी में, समर्स में नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी उनको रिस्पॉन्ड करती है उस तरीके से करना चाहिए। लेकिन वो फूड लिस्ट सुन लेने से, जान लेने से आप अवेयर हो जाएंगी। आपकी प्रेगनेंसी का सफर YouTube मॉम के साथ कैसा चल रहा है हमें कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी करें, जिससे कि बहुत सारी प्रेग्नेंट माएं हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होती, पता ही नहीं होता, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट खाना बहुत जरूरी होता है कि बच्चे के दिमागी विकास, उसकी मसल के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और आपकी भी वेट गेन के लिए अच्छा है। तो आप ड्राई फ्रूट शुरू से खा सकते हो, लेकिन तरीका एक ही है कि उसे आपको भिगोकर खाना है। कभी कभार स्किप भी कर सकते हैं। मात्रा कम से शुरू करें, कम से कम 3 आलमंड से चालू करें, 1 अखरोट से चालू करें, 1 या 2 अंजीर से, और मुट्ठी भर 8 से 10 मुनक्के से शुरू कर सकते हैं। इसमें से जरूरी नहीं कि सारे ड्राई फ्रूट्स एक टाइम खाएं, अलग अलग टाइम में इनको आप खा सकते हो, अपने सुविधा अनुसार इनको खाना। लेकिन कोशिश करें कि 2-3 ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए आप हर दिन जरूर खाएं, जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो आपको मिले। लेकिन सूखे फॉर्म में आप जैसे सॉल्टेड आलमंड्स आपने खाए, सॉल्टेड कैश्यूज आपने लिए, तो ये आपके डाइजेशन को गड़बड़ करेंगे और ये बॉडी हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। तो मार्केट से जो सॉल्टेड नट्स लाते हो ये अवॉइड करो। जिंजर की चाय से नोजिया, वॉमिटिंग शांत होती है, लेकिन अगर जिंजर को दूध की चाय में आप खूब उबाल उबाल के ले रहे हो, जिंजर को अपने फूड की प्रिपरेशन में डाल रहे हो बहुत अच्छी मात्रा में, तो उसको कम करें, उसको कभी कभी यूज करें, क्योंकि ये वार्मिंग फूड है। सर्दियों में इसको लिया जाता है कि बॉडी में जरूरी गर्मी बनी रहे, ठंड ना लगे। लेकिन प्रेगनेंसी में जिंजर को जरूरी हो तब यूज करें, कम मात्रा में यूज करें। हर दिन यूज करना, ज्यादा मात्रा में यूज करना, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी हीट बढ़ सकती है। मिर्च की बात करते हैं, खाने में मिर्च के बिना स्वाद नहीं आता है, लेकिन मिर्च भी कई बार हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बॉडी में काफ़ी एसिडिटी बनी रहती है, तो ऐसे में रेड चिलीज को आप टोटली अवॉइड कर सकते हो समर्स में, या तो आप ग्रीन चिली यूज़ करें। कई लोगों को उससे भी एसिडिटी होती है, पेट में जलन होता है, तो ऐसे में आप चुटकी भर 2 चुटकी ब्लैक पेपर को यूज़ कर सकते हैं, अपने सैलड में यूज़ कर सकते हैं, अपने दाल सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर को अगर आप सीमित मात्रा में यूज़ करते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगा, ये पेट को शांत करता है, इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ब्लैक पेपर आप चम्मच, 1.5 चम्मच भर भर के सब्जी में डाल रहे हो तीखापन के लिए, तो ज्यादा मात्रा में खाने से आपको नुकसान करेगा। तो तीखेपन के लिए आप ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर को यूज करें, लेकिन रेड चिलीज को टोटली अवॉइड कर सकते हैं। कई बार हमें ब्रेड के साथ बटर खाना अच्छा लगता है, कई बार फैटी प्रिपरेशन जिसमें बहुत सारा फैट पड़ता है, तो सब्जी भी बहुत अच्छी फ्राई होती है, उसमें हमें क्रिस्पीनेस और वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा फैटी फूड आप खा रहे हो, फैट कंटेंट ज़्यादा है आपके फूड में, यानी तेल घी ज़्यादा खा रहे हो, तो ये भी गर्म फूड की कैटेगरी में आता है, आपका बॉडी हीट बढ़ाता है, आपका डाइजेशन पुअर करता है, और गर्मियों में ये आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसलिए फैट कंटेंट कम करें, घी तेल कम करें, कम ऑयल में कुकिंग की कोशिश करें। दही हम सभी गर्मियों में यूज़ करते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन दही जो है वार्मिंग फूड होता है, दही को डायरेक्ट खाने से आपको एसिडिटी, हार्टबर्न बढ़ सकता है। तो दही का आप बटर मिल्क बना लीजिए, आप लस्सी बनाएं, लेकिन फैट कंटेंट हटाएं, आप चर्न करें कर्ड को, थोड़ा पानी मिलाएं और जो फैट ऊपर आता है उसे हटाएं, उसके बाद आप उसको यूज़ करें, वो डाइजेस्टेबल होगा, उसके अमाइनो एसिड्स भी बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे आप, और ये हीटिंग नहीं होगा, कूलिंग होगा, आपको इसको पी के अच्छा फील होगा, कूल फील होगा। इसमें आप थोड़ी मात्रा में भिगोया हुआ गोंद कतीरा भी मिला सकते हैं, जो कि आपकी हड्डियों के लिए, शिशु के विकास के लिए भी यूजफुल रहेगा। अगली चीज़ है आइसक्रीम। गर्मियों में आइसक्रीम खाना हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन जो आप मार्केट से आइसक्रीम लेके आते हैं उसमें कई तरह के केमिकल इन्हांसर्स यूज होते हैं, उसमें मिल्क का यूज कम होता है एंड केमिकल का यूज ज्यादा होता है। आप जब भी आइसक्रीम खरीदते हो आप बोलते हो आइसक्रीम, लेकिन आपको दिया जाता है फ्रोजन डेजर्ट, उसमें काफी सारे केमिकल होते हैं और वो केमिकल आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसीलिए आइसक्रीम प्रिपरेशन घर पे बनाएं, फ्रूट का पल्प निकालें और पल्प को फ्रीज कर दें आइसक्रीम के मोल्स के अंदर स्टिक डाल के, और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। घर में आप कुल्फी प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से आप आइसक्रीम खूब एंजॉय करें, हर दिन आप लगभग खा सकते हो। लेकिन मार्केट की आइसक्रीम आपको अवॉइड करनी चाहिए जिसमें कि केमिकल होते। कई लोग मार्केट से प्रीमिक्स लाके भी घर में बनाते, तो प्रीमिक्स में भी तो वही कॉन्टेंट है,
तो आप उस प्रीमिक्स को भी अवॉइड करें। घर के प्रिपरेशंस आप लें, स्पेशली फ्रूट के स्लाइसिंग करके आप उसको आइसक्रीम बनाएं और उसको इंजॉय करें। इससे आप आइसक्रीम भी इंजॉय कर पाएंगे और आप उसके साइड इफेक्ट से भी, हीटिंग से भी बच जाएंगे। चाय कॉफी पसंद होता है वैसे तो गर्मी में सभी छोड़ देते हैं, कम पीते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी बॉडी हीट ज़्यादा है तो आप कम से कम 2-3 दिन चाय और कॉफ़ी छोड़ के देखिए। आप बहुत सूदिंग, बहुत आरामदायक महसूस करेंगे, क्योंकि चाय कॉफ़ी बॉडी हीट को बढ़ाती है। और चाय कॉफ़ी जब आप लेते हो तो उसमें जो कुछ टैनिन होता है वो आपके बॉडी में आयरन है उसको अपने साथ अटैच कर लेता है, कंपाउंड बना देता है और यूरिन के साथ निकाल देता है बॉडी से आयरन को, और आप खून की कमी से परेशान रहते हो। तो चाय कॉफ़ी को आप कम कर दीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में आप लीन मीट खाएं, जैसे कि चिकन या एग्स, एक बॉयल एग खा सकते हो और वो भी स्पाइसेस बहुत कम होने चाहिए उसमें। लेकिन रेड मीट को आपको टोटली अवॉइड करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। रेड मीट लेने से बॉडी हीट बढ़ सकती है और ये अनहेल्दी फैट होता है, इसको आपको वैसे अवॉइड ही करना चाहिए। फिश की जहाँ तक बात है, नॉन वेजिटेरियन लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या हम फिश खा सकते हैं, तो फिश में फॉस्फोरस होता है और वो बॉडी को हीट देता है, तो फिश आप कम खाएं, महीने में 1 या 2 बार खाएं, बॉडी हीट ज़्यादा रहती है तो अवॉइड करें। कुछ लोग अडॉप्टेड होते हैं क्योंकि वो कोस्टल रीजन पर रहते हैं, उनके यहाँ फिश बराबर बनती है तो उनकी बॉडी अडॉप्टेड रहती है, तो उनके लिए क्राइटेरियाज अलग है। लेकिन जो लोग कभी नहीं खाते, कम खाते हैं, उनके हैबिट में नहीं है, वो लोग इसे कम यूज़ करें, अपनी बॉडी को देखते हुए यूज़ करें कम मात्रा में, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच आइडियाज। थैंक यू।